औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। 15 मिनट के इस भाषण में उन्होंने बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा और किस तरह के मुद्दे की बात की उन्होंने, आइए जरा सुनते हैं। याद करते हम लोग, मैं जब भदोही से विधायक था उस समय बसवापुर में मैंने चौधरी चरण सिंह जी की स्टैचू अपने निजी धनराशि से लगवाया था। जो साथी जानते होंगे वो इस बात से अवगत होंगे मैं विधायक था 2002 में, मंत्री भी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। SC ST कमीशन का मैं चेयरमैन भी रहा और उस समय कुछ महत्वपूर्ण महान पुरुषों के हम लोग स्टैचू लगवाए थे। सबसे पहले बसवापुर चौराहे पर हमेशा हर साल 23 दिसंबर को विरहा का कार्यक्रम होता था और हमेशा चाहे जितना कड़ाके की ठंडक पड़ती रही हो हम लोग वहाँ पर जरूर जाते थे और गर्दन गाड़ी से बाहर निकाल करके कार्यक्रम के समापन के बाद धीरे धीरे फिर घर के तरफ जाते थे। रास्ता दिखाई नहीं देता था, मौसम में परिवर्तन आया तो चौधरी चरण सिंह जी के हम लोगों ने प्रतिमा लगाया। ऐसे ही 52 बीघा तालाब पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मैंने प्रतिमा लगवाया था और पकड़ी तेराहे पर फूलन देवी जी का प्रतिमा मैंने लगवाया था और जमुनीपुर में बाईपास संत गुरु रविदास जी का प्रतिमा हमने लगवाया था। और चौधरी चरण सिंह साहब ने अपने जीवन में दो बड़े ऐतिहासिक कार्य किए और वह पहला काम है जमदारी उन्मूलन अधिनियम एक्ट लागू करना। जमदारी अधिनियम उन्मूलन अधिनियम एक्ट लागू करना और सीलिंग एक्ट का प्रावधान करना जिसमें ये तय था कि इतने जमीन से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं हो सकती है और जो ज्यादा जमीन होगी वह सरकार की हो जाएगी। इस कानून को पास करने वाले वही रहे और दूसरा एक समाज विशेष का लेखपाल पद पर आधिपत्य था और उन्होंने कहा कि इस देश में एक जात के नाम पर कोई पद नहीं रह सकता है। ये सही बात भी है, आज के युग में ये कोई कहे कि इस जात का अमुख आदमी ही जो है इस कुर्सी पर बैठेगा ये तो विडम्बना मान लिया जाएगा। तो उन्होंने लेखपाल के कुर्सी पर जो एक जाति विशेष का आधिपत्य था उसको उन्होंने खत्म करके समूचे समाज को जो है उस पद पर भेजने का काम किया था। यह दो बड़ा ऐतिहासिक काम चौधरी चरण सिंह साहब ने किया था और किसानों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते करते दुनिया से हम लोगों से विदा हो गया और उन्हें किसानों के नाम पर जाना गया, न कि जात के नाम पर जाना गया बल्कि किसान के नाम पर जाना गया जो किसानों की अगुवाई करते रहे। और आज उन्हीं के नाम पर यहाँ पर मेला कह लीजिए, प्रशिक्षण कह लीजिए, मिलट्स को प्रमोट करने के लिए बताने के लिए या खेती कैसे आगे बढ़ाई जाए उस पर चर्चा करने के लिए यह किसान मेला का आयोजन हुआ। 2-3 बात मैं भी रखना चाहता हूँ कि हम लोग शुरू में बाजरा की खेती या मक्का की खेती या सावा की खेती या कोदो की खेती जब करते थे उस समय हम लोगों का जानवर जो है खेत में ही बांधे जाते थे, याद होगा, और एक खूंटा से दूसरे खूंटा में हम लोग गाड़ते जाते थे, आगे बढ़ाते जाते थे।
कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल हमने बंद किया, हरी खाद का हमने इस्तेमाल बंद किया। तो जब कंपोस्ट खाद और हरी खाद और गोबर की खाद जब हमने बंद किया तो रासायनिक खाद के तरफ हम आगे बढ़े। जब रासायनिक खाद के तरफ जब हम आगे बढ़े तो जो मेरा अनाज हुआ वो दूषित हुआ। पहले जब बाजरा या जोन्हरी, मकई, अरहर, सावा, कोदो, तीसी, बर्रा, ये सब मसूरी ये हो रहा था, और जब हम चावल और गेहूं पर आए और रासायनिक खाद लेकर के आए तो मुसीबत पैदा हुई। देश की आबादी बढ़ रही है लगातार, खेत कम हो रहा। जब खेत कम हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो खेत तो उतने ही है, तो फिर अनाज सबके पेट भरने के लिए होगा कैसे? तो रासायनिक खाद आ गई, और जब रासायनिक खाद आई तो अपने साथ रोग लेकर के आई। गाय कौन छोड़ रहा है? बछरू होगा तो आप छोड़ दोगे, और बछिया होगी तो रख लोगे, और दोष दोगे सरकार का, ये गलत बात है, ऐसा न करना, गलत बात आप बोल रही है। बछरू को कौन छोड़ रहा है? हम ही लोग तो छोड़ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से आ रहे हैं, आकाश से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं बछरू? बछरू को तो छोड़ने वाले हम ही लोग हैं। जो दूध देने वाला बच्चा उसको रख लेते हैं, और जो दूध नहीं देने वाला है उसको छोड़ दे रहे दूसरे का खेत चरने के लिए। और जब सब छोड़ दोगे तो कहोगे कि सरकार इसको पकड़वा रहे, फिर भी हम पकड़वा रहे हैं, फिर भी गौशाला बनवा रहे हैं, और यहाँ आकर के अपनी गलती को छिपाने के लिए सरकार के ऊपर छोड़ते हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब धान और गेहूं जब हम पैदा करने लगे और ज्यादा पैदा करने लगे, और वो भूसा और अनाज जानवर खाने लगे, तो जानवर का दूध भी प्रभावित हुआ। क्या गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, उनके दूध में भी गिरावट आई, और वह रोग जो आदमी में आया वही रोग जानवर में भी गया, सेम रोग। किडनी प्रभावित होने लगी, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, शुगर बढ़ने लगा, हार्ट अटैक होने लगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा। तो जो रोग पुरुष में आया, इंसान में आया, वही रोग जानवर में भी आया। अब सरकार के समझ में आया कि ये तो हम और हमारा देश गलत रास्ते पर चल दिया है, इसको पुनः वही ले जाना पड़ेगा जहां से चला। तो आज यहाँ वैज्ञानिक बैठे हैं, और नेता लोग आएंगे, अधिकारी लोग आएंगे, सारे लोगों का एक ही टारगेट होगा कि मोटा अनाज खाओ। जब हम बाजरा खाते हैं, बाजरा में 500 कैलोरी है, केला में 500 कैलोरी है, चना में 500 कैलोरी है, चावल में नहीं है, गेहूं में नहीं है। सबसे ताकतवर अनाज अगर कोई इस देश में है वो चना है, बाजरा है, ये ताकतवर अनाज में, और सबसे ताकतवर फल में सेव और केला। तो अब हम फिर मोटे अनाज के तरफ जा रहे हैं, और मोटे अनाज को पैदा करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। सरकार आपका धान खरीद रही है, आपका गेहूं खरीद रही है, अब कह रही है कि हम मोटा अनाज भी पैदा करेंगे, तो मोटा अनाज भी खरीदेंगे, तेलहन भी और दलहन भी अगर आप बोते हैं तो वो भी खरीदेंगे। अब आप सोचो, अनाज आप पैदा कर रहे हैं, वह अनाज हम खरीद रहे हैं, सरकार खरीद रही है, और सरकार खरीद करके वही अनाज
आपको 15 दिन के लिए प्रति यूनिट 5 रुपया 5 किलो अनाज फ्री दे भी रही है, और 15 दिन पर 2 रुपया किलो चावल और 3 रुपया किलो गेहूं दिया जा रहा है। अब सरकार ने फैसला किया कि अब 10 किलो हम बाजरा भी देंगे, बाजरा भी खिलाएंगे, इसीलिए आया है 10 किलो बाजरा भी हम देने वाले हैं फ्री में। तो हम लोग पहले बाजरा का ही रोटी खाते थे, चावल होता नहीं था, फिर बाजरा का भात खाने लगे, फिर बीच में थोड़ा थोड़ा चावल आया तो चावल और बाजरा मिक्स करके खाने लगे, मंठा से और दूध से बहुत अच्छा लगता था। सामा भी हम लोग बहुत ज़्यादा खाए हैं, जो भी 60+ के होंगे वो सभी लोग खाए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मोटा अनाज पैदा करना और मोटा अनाज खाने के लिए प्रेरित करना, और जो बाहर की चीजें खाने की आदत बनी है उसको हमें छोड़ना, ये दो बातें मैं कहना चाहता हूं। और तीसरा, ढैंचा और जो है सनई, यह दोनों की परंपरा खत्म हो गई है खेत में बोने की। मैंने तो अपने यहाँ सभी खेतों में ढैंचा लगाया था और जोत करके ही हमने धान जो है उसमें लगाने का काम किया था। तो ढैंचा और सनई को पुनः स्थापित करना, और हर खेत में, अब तो गांव में घूर फेंकने का, घूर के लिए जगह ही नहीं बची है, तो आपको अपने खेत में ही मट्टी निकालकर गड्ढा बनाना होगा, घर का कूड़ा उसमें फेंकना होगा और उसको खुद कंपोस्ट खाद बनाना होगा, उस कंपोस्ट खाद को आप खेत में डालना होगा। ये तीसरी बात हो गई। चौथा जो है, जब बरसात होती है तो बरसात का पानी भाग करके नालों के जरिए गंगा में चला जाता है, तो खेत का पानी खेत में रोकना, अगर खेत का पानी खेत में नहीं रोका गया तो आपके पानी का स्टेटस चला जाएगा बहुत नीचे, और आपके हैंडपाइप अगर गांव में होगा तो सूख जाएगा, नलकूप होगा तो सूख जाएगा। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि खेत में ही जो घूर गड्ढा बनाएंगे वो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जो आपके खेत का पानी है वह गड्ढे में ही चला जाए, तो उसमें जो कूड़ा आप फेंके रहेंगे, गोबर फेंके रहेंगे, वो सड़ेगा और कंपोस्ट खाद बनेगी। तो हर खेत का पानी हर खेत में रोकना, यह चौथी बात हो गई। पांचवी बात मैं कहना चाहता हूं कि हर साथी, हम सबको एक एक वृक्ष लगाने की जरूरत है, एक एक वृक्ष लगाने की जरूरत है। किसी के पास जमीन होगी तो लगा सकता है, किसी के पास जमीन नहीं होगी तो नहीं लगा सकता, लेकिन जिसके पास जमीन है उसको, हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाने की जरूरत होगी। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जो बरसात हो रही है वो बरसात घटती जाएगी, और घटती जाएगी और जो समय का चक्र है उसमें परिवर्तन बड़े पैमाने पर आएगा, और पूरा समाज उस चक्र का शिकार होगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि सभी लोगों को एक एक वृक्ष लगाना चाहिए, जिसके पास जमीन है, और जिसके पास जमीन नहीं है उसको गमला में ही सही, एक गमला में एक वृक्ष जरूर लगाने की जरूरत है। तो इस देश में वृक्ष लगाना, पानी के बहाव को रोकना, खेतों में खुद खाद गड्ढा बनाना, कंपोस्ट खाद का निर्माण करना, और उस खाद को खेत में फेंक करके और अनाज को बोना, और हरी खाद चाहे वो सनई हो चाहे ढैंचा हो हर खेत में बोया जाए, और समय आने पर उस खेत में उसको जोत करके फिर अनाज को बोया जाए।
तो धीरे धीरे रासायनिक खाद के तरफ से मेरा ध्यान हटेगा और उसकी जरूरत कम होगी। अब वैज्ञानिकों ने जैविक खाद का निर्माण किया है, तो जैविक खाद का निर्माण के लिए वैज्ञानिकों से, कृषि अधिकारी लोगों से मिल करके और उस खाद का इस्तेमाल करना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, किसानों के सम्मान में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू किया। हर किसान को जिसको 5 बीघा से लेके 5 एकड़ तक जमीन है, ऐसे लोगों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया किसानों को किसानी करने के लिए दिया जा रहा, जिससे कि आप उस पैसे से खाद खरीद सकें या पानी का मूल्य दे सकें या खेत की जुताई दे सकें। इस मौके पर उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ विश्वकर्मा सम्मान निधि से आज हर वर्ग के लोगों को इस टूल्स दिया जा रहा है, और टूल्स दिया जा रहा है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, और कम ब्याज पर उनको जो है ब्याज भी दिया जा रहा है, धनराशि भी दी जा रही है कि वह स्वावलंबी हो सके और अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने परिवार का निर्वहन जीवन निर्वहन कर सके, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का पद हो, चाहे प्लम्बर का हो, चाहे कारपेंटर का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हो, मोबाइल से संबंधित हो और लैपटॉप टैबलेट से संबंधित हो या कंप्यूटर से संबंधित हो, ये सारे क्षेत्रों में है, बढ़ई का काम है या नाई का काम है या और दूसरे काम छोटे मोटे हैं, वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हर आज किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार बीज भी देती है, आधा पैसा किसान वहन करता है, आधा पैसा जो है वापस करती है सरकार बीज का। नहर का पानी आपको उसका पैसा नहीं देना, पंपिंग सेट का के पानी जो नलकूप लगा है, राजकीय नलकूप लगा है, उसका भी पैसा आपको नहीं देना है, आपको जुताई देना है, आपको मजदूरी का देना है, उसके लिए सरकार 6,000 रुपया दे रही है। तो किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में सरकार कदम उठा रही है, उसका हमें आप सब लोगों को मिलकर के लाभ उठाने की जरूरत है। ट्रैक्टर भी और ट्राली भी, कल्टीवेटर भी, रोटावेटर भी, लेवलर भी, तावा का हल भी, सब सब्सिडी पर मिल रहा। आपको जो कृषि वैज्ञानिक होंगे वो आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। और बेजवा से हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्विवेदी साहब आए हैं, प्रोफेसर द्विवेदी साहब आए हैं, वो आप लोगों को विशेष चर्चा करेंगे कि खेती कैसे किया जाए जिससे कि अनाज भी मेरा अच्छा हो और उससे खाया गया जो अनाज पैदा कर रहे हैं उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उसके बारे में विस्तृत चर्चा ये लोग करेंगे। चूँकि राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण लगातार कहीं न कहीं कोई न कोई बुलाता रहता है। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।